इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना का कहर बेलगाम शहर में और अतराफ में देखने को मिल रहा है। अब उन्हीं मुसीबतों को इजाफा होते हुए ये जो बारिश का कहर भी एक नाजिल होता नज़र आ रहा है। हम अमन नगर के इलाके में मौजूद हैं। जितना तेज़ बारिश आ रही है और बहुत ज़्यादा भी नहीं, पिछले दो दिनों से बारिश है, तो घरों में पानी घुस चुका है। निचले मोहल्ले हैं वहाँ पर पानी दाखिल हो चुका है, जिसकी वजह से लोगों को घरों के अंदर दाखिल होना काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। एक तो बीमारी का कहर और ऊपर से फिर ये बारिश का कहर, ऐसा दोहरी मार लोग सहते नज़र आ रहे हैं। पर कोई पुरसाने हाल नहीं है। और ये पिछले साल भी हमने दिखाया था कि किस कदर पानी यहाँ पर भरा हुआ था। उससे तो अभी तो ये शुरुआत है बारिश की, लिहाजा यहाँ की आवाम काफ़ी परेशानी में है। वो अपने ख्यालात का भी इजहार करना चाहती है। देखते हैं कि आवाम इस ताल्लुक से क्या कहती है, क्योंकि यहाँ पर उन्हें घरों के अंदर दाखिल होने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, काफ़ी मुश्किलात आ रहे हैं। एक कोरोना का कहर और कोरोना का डर और कोरोना की बीमारी, फिर ये अब जो है बारिश के पानी की दोहरी मार झेलते हुए ये अमन नगर उज्ज्वल नगर के एरिया में, उज्ज्वल नगर के इन मोहल्लों में पानी घरों में घुसने से काफ़ी परेशानी हो रही है। क्या इंतज़ामिया इनकी इस परेशानी को समझ पाएगा, कोई इसका हल निकालेगा, या हर साल इसी तरह से ये पानी में डूबते रहेंगे और परेशान होते रहेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर कल रात से बारिश होने की वजह से यहाँ पर पूरे घरों के अंदर पानी घुसा है। आज सुबह से हम कॉरपोरेशन और MLA इन सब को ट्राई कर रहे हैं कि आकर हमारी कुछ हेल्प करें, मगर उन्होंने कुछ हमें सपोर्ट नहीं दिया। हम अब हमारे खुद की एक GCB प्राइवेट मंगा के, हमारे खुद का पैसा खर्चा करके GCB मंगा कर ये रोड बंद कर रहे हैं, ये रोड खोद कर यहाँ से पानी जाने का बंदोबस्त कर रहे हैं। हम प्रशासन कॉरपोरेशन और MLA की तरफ से हमारे को कुछ भी मदद नहीं हुई है, तो हम बहुत परेशान हैं और यहाँ के लोग भी बहुत परेशान हैं। लोगों के घरों में पानी घुसा है, अब यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको आना जाना मुश्किल हो गया है। मैं कॉरपोरेशन और MLA से गुजारिश करता हूँ कि अब नहीं तो पिछले साल से हम यही कर रहे हैं, पिछले साल भी ये खड्डा खोदा गया था और वापस इस साल भी हमें खड्डा खोदना पड़ा है। तो MLA और कॉरपोरेशन से मैं गुजारिश करता हूँ कि इस बार हमारी आकर मदद करें और थोड़ा हमारे को पाइप डालकर यहाँ से पानी जाने का बंदोबस्त करके दें। ये साल का नहीं, हर साल का प्रॉब्लम है ये, हर साल ऐसा ही पानी जमता। गए बरस तो एजाज भाई की तरफ से उधर घर में पानी घुसा सो सभी लोगों को, तो ट्यूब डाल के, ट्यूब के ऊपर जो पानी फड़ी डाल के निकाले थे लोगों को, तो दवा खाने कुछ आने को तक प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे घर से बाहर ना निकल रहे और ट्यूब डाल के गए बरस बच्चों को निकाले थे, बूढ़े लोगों को निकाले थे, वो बूढ़े लोगों का इंतकाल भी हो गया गए बरस ऐसे। हाँ, ये बहुत प्रॉब्लम है यहाँ, बहुत अमन नगर को कौन भी आके देखता नहीं और कॉरपोरेटर एक दिन भी आके झांकता नहीं इधर। यहाँ कहाँ है तुम्हें, मरे क्या है क्या, नहीं तो एक लाइट चलो ना इधर अमन नगर में, हर गली का लाइट चालू बंद है और मेन रोड का गली का लाइट पूरा बंद है। हम जाके कॉरपोरेशन को रिक्वेस्ट करें, कौन भी आके पूछता नहीं, और MLA साहब को दो तीन बार ला के फूल पान करे, उनका स्वागत करे, लेकिन फिर भी उन्हें आत्मा को बोलते हैं, आश्वासन देते हैं, लेकिन कुछ एक काम भी नहीं करे उन्हों। और गली का रोड भी बना करके बोले हमें, रोड भी नहीं बने, गटर भी नहीं बने, लोगों को चलते आना जाना मुश्किल हो बेटा। और सांप तो इतने है अमन नगर के अंदर, बहुत बड़े बड़े भी सांप है और बच्चों को बाहर निकलना मुश्किल हो बेटा अमन नगर में। जरा रिक्वेस्ट करके अमन नगर के अवसर मेहरबानी करके हमारे लोगों को जरा मदद करे तो बहुत मेहरबानी होंगी आपके, MLA साहब, MP साहब, कॉरपोरेशन साहब, बहुत मेहरबानी होंगी। इधर आके देखे, तुम देखोगे तो तुम्हारे को मालूम होगा, आप आते ही नहीं तो कहाँ मालूम होने वाला है उनको, लोगों को इधर आके अभी इस टाइम पर आप ये आके देखे तो एजाज भाई हमारे कितना करके करेंगे, उन्होंने हर बात एजाज भाई को पूछते हैं, हम एजाज भाई कितना कर करेंगे बाबू, ये पूरा अमन नगर का बोझा एजाज भाई सिर पर लेके बैठे से, सब लोगों का मदद करें तो एजाज भाई क्या भी आगे बढ़ेंगे। ये थे मकामी लोग यहाँ पर अमन नगर के पीछे, एक काफ़ी बड़ा एरिया है जहाँ पर गरीब और मजदूर पेशा लोग रहते हैं। एक तो कोरोना की वबा से तमाम अफराद, तमाम लोग यहाँ पर परेशान है, और दोहरी मार इस बारिश की है
जो हर साल यहाँ पर बारिश आती है और मकानों को डुबोकर चली जाती है, लेकिन यहाँ की इंतजामिया टस से मस होने को तैयार नहीं। लिहाजा इनकी गुजारिश है कि जल्द से जल्द परेशानी को दूर करके इन्हें इस तकलीफ से निजात दिलाने की कोशिश की जाए। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।